बस बंद कर दे, कुंडी लगा ले। आज प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे चौपाल के विधायक श्री बलवीर वर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष एवं फाल्टा जी, यहां से हमारी प्रत्याशी रही श्रीमती शशि बाला जी, हमारे जुब्बल नावरकोट खाई से प्रत्याशी रहे भाई चेतन जी, ठियोग से प्रत्याशी और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भाई अजय श्याम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष एवं फाल्टा जी और बलदेव रांटा जी, बलदेव रांटा जी मंडल के अध्यक्ष। जैसा कि हमारा जिला महासू का प्रवास और आज हमारा रोहड़ू क्षेत्र, यहाँ पूरा जो हमारा संगठनात्मक जिला महासू है उसका प्रवास का कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है, और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार जो हिमाचल प्रदेश में विराजमान हुई, हम देख रहे हैं कि विकास के काम पूर्ण रूप से ठप पड़ गए। मात्र सवा दो महीना ढाई महीना इस सरकार का हुआ, लेकिन हमें बड़ा खेद होता है जिस प्रकार से जो छोटे छोटे विकासात्मक कार्यों के लिए विधायक निधि के तहत और SDP और NCR के माध्यम से पैसा आता था, वर्तमान सरकार ने उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। विधायकों को जो विधायक निधि की अंतिम किस्त मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रही है, साथ ही जो छोटे छोटे सुरक्षा दीवार, कहीं रोड की मुरम्मत, कहीं महिला मंडल भवन की मुरम्मत, और इसके साथ साथ DC के माध्यम से भी जो कुछ पैसा मिलता था, ना केवल उसको बंद कर दिया जो हमारी सरकार के समय में पैसा दिया गया था, उसको भी ये सरकार ने विड्रॉ कर लिया। मैं समझता हूँ ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरे महासू जिला के प्रवास के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस लेकर हमारे पास आए, और सबका एक ही कहना था जी पैसा तो था लेकिन वो पैसा अभी ब्लॉक से हमको नहीं मिल रहा है, वो पैसा जो है उसको बंद कर दिया है। मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के साथ ये काफ़ी बड़ा धोखा है। जनमत जिस सरकार को मिला, जिस पार्टी को मिला, और सत्ता में आते ही इस प्रकार का जनता के साथ व्यवहार करना शुरू करे, मैं इसको काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। बाकी जिस प्रकार से संस्थान बंद किए गए, अभी ध्यान में आया कि 20 से ज़्यादा कॉलेज इस सरकार ने बंद कर दिए, और जो बच्चे एक साल से पढ़ाई कर रहे थे, अभी उनके एग्जामिनेशन का समय था, उनको बिल्कुल अधर में लटका दिया। मैं समझता हूँ बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। बच्चे जो कि एक साल से पढ़ाई कर रहे थे, अभी उनको दूसरे कॉलेज में माइग्रेट करना पड़ेगा, और ऐसे समय में जब उनका एग्जामिनेशन का समय है, कॉलेजों को बंद करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा जो बहुत सारे संस्थान इस सरकार ने बंद किए जो लंबे समय से चले हुए थे, लास्ट एक साल से 2022 में अप्रैल के बाद जो जितने भी संस्थान चले हुए थे उनको भी बंद करना, ये भी कोई उचित निर्णय नहीं है, और ऐसा निर्णय जो कि बिना किसी विचार विमर्श के बिना किसी रिव्यू के लिया गया, क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय 11 तारीख को शपथ लेते हैं और 12 तारीख को डी नोटिफाई करने की नोटिफिकेशन हो जाती है। मैं समझता हूँ ये भी जनता के साथ धोखा है। जनता की डिमांड के ऊपर ही ये संस्थान खोले गए थे। जनता ने जब मांग की थी, लोगों ने जब इसके लिए मांग की थी, तो जनताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप ये संस्थान खोले गए थे, और अब उनको बंद करना, हम देखते हैं प्रतिदिन जो है बहुत सारे मरीज जो PSCs बंद हुई हैं या जो हॉस्पिटल्स को डी नोटिफाई किया गया, आज किस प्रकार से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने पटवार खाने तक बंद कर दिए, इन्होंने जो है स्कूलों को भी डी नोटिफाई करने का निर्णय ले लिया। तो ऐसा निर्णय लेना और बिना किसी रिविजन के, बिना किसी रिव्यू किए, मैं मानता हूं कि अगर इनको लगता था कि
संस्थानों की आवश्यकता नहीं है या फिजिबल नहीं है तो पहले उनको रिव्यू करते, लेकिन सीधा सीधा उनको डीनोटिफाई करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी बहुत सारे विषय हैं जैसा कि वैट बढ़ाने का काम और डीजल 3 रुपए महंगा करना, खाने के तेल की बोतल को महंगा करना। और मेरे ध्यान में ऐसा भी आया है कि जो मिल्क फेडरेशन का दूध है उसको 2 रुपए लीटर महंगा कर दिया, जबकि इन्होंने वादा तो ये किया था कि हम दूध के दाम बढ़ाएंगे, गाय का दूध हम 100 रुपए किलो खरीदेंगे, भैंस का दूध दो हम 80 रुपए किलो खरीदेंगे, लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर दूध के दाम बढ़ाने का काम जो चुपचाप तरीके से इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ ऐसे निर्णय ये सरकार ले रही है। पानी के ऊपर सेस बढ़ा दिया, जो तो विद्युत परियोजना है, बिजली जो 300 350 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी, आज जो है वो 125 यूनिट हमारी सरकार दे रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। और अब तो ऐसा भी ध्यान में आ रहा है कि अप्रैल माह से जो है 90 पैसा प्रति यूनिट दर बढ़ाने का भी निर्णय ये सरकार लेने जा रही है। तो कुछ ऐसे निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, अभी तक इस सरकार की उपलब्धि हम कोई नहीं बता सकते। एक भी कोई ऐसा काम जनहित में या जो जन समर्थन इनको मिला था या जो जनमत मिला था उसके समर्थन में उन्होंने एक भी काम अभी तक नहीं किया, उल्टा जनमत की अवहेलना करने का इन्होंने काम किया है। गारंटियां इन्होंने दी, बड़ी बड़ी गारंटियां दी और बड़े दम के साथ इनके नेता, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी आई थी, या जो प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने बड़े दावे किए थे, बड़े दम के साथ कहा था कि सत्ता में आने के बाद 10 दिन बाद ही हम जो है महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डाल देंगे, हम ओपीएस को भी लागू कर देंगे, हम जो है 1-5 लाख रोजगार युवाओं को देंगे, और अनेक गारंटियां, चाहे गोबर खरीदने की बात है, चाहे दूध खरीदने की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने गारंटियां दी थी अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। अभी मैं पढ़ रहा था आज की अप्रैल माह से जो है ओपीएस दी जाएगी, ये तो कहते थे कि हम 10 दिन में दे देंगे सरकार बनने के, और अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि फरवरी माह का भी एनपीएस का पैसा कर्मचारियों का कटा है, इस हिसाब से जो है मार्च का भी पैसा कटेगा और अप्रैल माह का भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि ओपीएस लागू हो जाएगी, कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ निर्णय, और विशेष रूप से अगर हम, क्योंकि एक महासू जिला बागवानों का क्षेत्र है, बागवानों के साथ वायदा किया था कि हम जो है बागवान ही एप्पल का रेट जो है तय करेंगे, लेकिन अभी ये सरकार उससे भी मुकर रही है, अर्थात जो गारंटियां देकर ये सत्ता में आए उन गारंटियों को भुला रहे, दूसरी ओर ऐसे निर्णय दे रही है जिसके जिसके कारण आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, कर का बोझ बढ़ रहा है, अर्थात जनता को प्रताड़ित करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, जब ये पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो इनके लीडर्स कहा करते थे कि हम फिजूल खर्ची को बंद करेंगे, हम चेयरमैन नहीं बनाएंगे, हम कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे। आज जो है एक नहीं 6-6 CPS की नियुक्ति हो गई, आज जो कितने चेयरमैन बन गए हैं और सारे चेयरमैन कैबिनेट स्टेटस के साथ बने हैं। तब तो ये कहते थे कि हम तो फिजूल खर्ची को बिल्कुल बंद कर देंगे, आज जो है जब चेयरमैनों की नियुक्तियां हो रही हैं या एडवाइजरों की नियुक्तियां हो रही हैं या OSDs लग रहे हैं या फिर जिस प्रकार से CPS की नियुक्ति हुई है, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? एक तरफ कहते हैं खजाना खाली हो गया, दूसरी ओर से अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने यारों को, दोस्तों को जो है नियुक्तियां दी जा रही है, 10-10 साल पहले रिटायर हुए लोगों को उनको जो नियुक्तियां दी जा रही। तो मैं समझता हूँ इस सरकार की कथनी और करनी में और इस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इस बात को आज समझ चुकी है और समझ रही है, और यह पहला मौका शायद होगा कि सरकार बनने के मात्र 1 महीने में ही लोग जो है सड़कों पे आ गए, सरकार के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिया, और इतना जल्दी सरकार का ग्राफ गिरेगा, मात्र 2.5 महीने में ही इस सरकार का ग्राफ गिर जाएगा, ऐसा ऐसी अपेक्षा हमने नहीं की थी। मैं समझता हूँ इस सरकार के बनने से आज जनता जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सर, ये जो बागवानी के मुद्दे हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो उम्मीद करते हैं, एक इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये मुद्दा पिछले 5 साल पहले भी कई बारी उठा है, लेकिन बीते जो 5 साल है इस दौरान ये मुद्दा कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आया। देखिए, तो इस मामले में एप्पल या सेब की जहाँ तक बात है,
मैं खैर इस बात को पहले उठा चुका हूँ पार्लियामेंट में कि एक सेब के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी, और दूसरा जो हमारे यहाँ गार्लिक और लहसुन जो पहले चाइना से आता था, दूसरे क्षेत्रों से आता था, और मैंने महासू जिला के प्रवास के दौरान भी मेरे ध्यान में बहुत सारी बातें आई हैं जो कि सेब से रिलेटेड है। तो मैं अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन चला है और इसके बाद अभी मेरा प्रयास रहेगा कि सेब से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको हम पार्लियामेंट के दौरान जो है उठाएंगे भी और अपने केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में भी लाएंगे। और सर दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो हट्टी का मुद्दा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठता रहा है, जबकि पूर्व सरकार में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस टाइम इसमें डोडरा क्वार का भी उसके साथ इंक्लूड किया गया था 2003 में, सर मुझे ध्यान है। लेकिन उसके बाद ये डोडरा क्वार का जो जो ये इनकी मांग थी कि इनको भी ट्राइबल बनाया जाए, ये उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया, जबकि उसको हाटी को मंजूरी मिल गई। नहीं देखिए, हाटी का मुद्दा अभी भी खैर उसको मंजूरी नहीं मिली है, अभी तो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में अभी पारित होना बाकी है। लेकिन कई अन्य क्षेत्रों की बात, इसमें चाहे डोडरा क्वार है या कुल्लू का कुछ क्षेत्र है, छोटा बंगाल बड़ा बंगाल का क्षेत्र है, उसका उसकी भी डिमांड आई है, और भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की मांगे हैं उनके ऊपर भी विचार किया जाए। और एक और प्रश्न सर, ये जो सांसद निधि के तहत जुब्बल कोटखाई की बात करूँ, रोडों की बात करूँ, तो कितना पैसा खर्च किया गया होगा इसमें? जहाँ तक सांसद निधि की बात है, मेरे को लगता है जुब्बल कोटखाई में भी क्योंकि हम जानते हैं कि 2.5 साल तक हमारा MP LED बंद हो गया था कोविड के कारण, और उस समय कोई भी सांसद निधि का पैसा हमको नहीं आया। मुझे केवल मात्र एक किस्त हमको 19 में मिली थी और उसके बाद 22 में एक किस्त हमको मिली है, क्योंकि 22 के बाद फिर लागू हुआ, अप्रैल 22 के बाद। तो इसके बावजूद भी मैंने ना केवल जुब्बल कोटखाई या रोडू की बात हम करते हैं, मैंने 17 के 17 अपने जो मेरे असेंबली क्षेत्र हैं या विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में प्रयास किया कि जो भी वहाँ की डिमांड्स आई हैं उनको हमने पूरा किया, और भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा। सांसद निधि को वैसे 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि, अब 17 विधानसभा क्षेत्र, 900 से ज्यादा पंचायतें, अगर हम सोचें कि हर पंचायत को हम पैसा दे पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। फिर भी जो हमारा हमारा जो नेतृत्व इस क्षेत्र का है उन्होंने जो भी मांगे रखी हैं उन्होंने उनको पूरा करने का प्रयास किया, भविष्य में भी करेंगे। बागवानी एक मुद्दा है, अभी आपने कहा कि आप उठाएंगे, इससे पहले आपका काफी कार्यकाल 4 साल के करीब होने को है, तो अभी तक आपने देखिए 2.5 साल, मैंने अभी भी कहा कि 2.5 साल हम कोविड से लड़ते रहे, और 2.5 साल हमको कोविड के दौरान आप जानते हैं कि क्या परिस्थितियां हमारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे बागवानों की बात है या किसानों की बात है, मैं लगातार इन मुद्दों को उठाता रहा हूं। आप अगर मेरा पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगे उसमें लगातार मेरा प्रयास रहा है कि चाहे बागवान है चाहे किसान है उनके मुद्दों को, बागवानों की जो जेन्युइन मांग बहुत पहले से इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर के, हर बार जब आप चुनाव लड़ते हैं बड़े जोर शोर से वो मतलब उठाते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी हम जो है बढ़ाएंगे, पर जब जैसे चुनाव कोई जीतता है तो उसके बाद फिर वही बात है कि हम रख रहे हैं, नहीं देखिए संसद में रख रहे हैं, तो रिजल्ट तो कुछ आ रहा है। आपको बताऊं, मैं तो खैर पहला ही चुनाव लड़ा हूं, मैं पहली बार ये चुनाव सांसद का लड़ा है, लेकिन एक WTA एग्रीमेंट है और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ही जो है सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लगाई गई है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के ध्यान में उसको लाया जाए। और इससे भी बड़ा मुद्दा जो इम्पोर्ट होता है सेब जो टर्की और ईरान के माध्यम से आता है उसको हम बंद कराएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चाइना से जो सेब आता था उसको अभी बंद करवाया गया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो विदेशों से सेब आता है उसको बंद करवाया जाए, और साथ ही साथ जो एप्पल सेब की जो बेहतर किस्में हैं उनको हमारे देश में जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उस दिशा में भी हमारे क्षेत्र का ध्यान रखा जाए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा बागवानों की जो अन्य समस्याएं हैं उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। मैं पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका हूं, संसद के अंदर मैंने इस मुद्दा उठाया था। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है, फार्मर अभी भी जूझ रहा है, लोकल वेंडर जब से लोकल आरती खुले तब से एक तरह से फार्मर जो शोषित ही हो रहा है। देखिए आपके ध्यान में होगा हमारी सरकार जो किसान बिल लेकर आई थी, लेकिन कुछ इस प्रकार का माहौल बनाया गया देश के अंदर कि सरकार को बिल वापस लेने पड़े, जबकि मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार से किसानों के हित में नहीं थे, किसानों को बहुत बड़ा फायदा उससे होने वाला था,
लेकिन सो कॉल्ड जो बहुत सारे लोग जो इस देश को आगे बढ़ना बढ़ता नहीं देखना चाहते या इस देश की तरक्की जिनको हजम नहीं होती, वो इस प्रकार के कार्य करते हैं और सरकार को जो है उसमें जो है पीछे हटना पड़ा। मैं समझता हूँ अगर किसान बिल आ जाते तो हमारा जो बागवानों को भी निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। एप्पल इम्पोर्ट में थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2011 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम आनंद शर्मा जी जो हमारे यहाँ से यूनियन मिनिस्टर थे कॉमर्स के, उन्होंने साइन किया था उस ट्रीटी को, और जो बाउंड रेट था वो 50% से ऊपर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में नहीं हो सकता। डब्ल्यूटी की सिग्नेटरी है, इसमें कुछ ऐसे कुछ 200 या 300 के करीब करीब आइटम्स थे और उसको सेब को इंक्लूड किया गया। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने दो बहुत अहम जो वो थे मेजर्स लिए थे। फर्स्ट कि जो चाइना से जो सेब आ रहा है 2017 के बाद एक भी दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरा है। दूसरा 2019 के बाद रिटेलिटरी मूव पे 50-70% उसको बढ़ाया गया अमेरिका के सेब का, तो आज अप्रोक्सीमेटली उसके 300 रुपए की करीब करीब होती है। और बाकी अब जो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बोला वो बाकी इश्यूज हैं इम्पोर्ट को लेकर, वो इस बारी पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे, पर जो 50% से ऊपर नहीं जा सकता उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस सरकार है और उसमें जो सिग्नेटरी थे वो आनंद शर्मा जी थे। चेतन जी, इसके अलावा भी तो समस्याएं हैं, आपकी सरकार को केंद्र में कितना वक्त हो गया कि फार्मर के लिए हुआ क्या है? फिर चलो ये मान लिया ट्रीटी आनंद शर्मा ने साइन की, सीए स्टोर्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए क्या हालत है बागवान का, क्योंकि जब भी बागवान होता है वो राजनीति का शिकार ही होता है। कांग्रेस की सरकार हो तो भाजपा झंडा उठा के जो हो जाती है होता फिर भी नहीं है, आपकी सरकार है तो फिर कांग्रेस वो एक्चुअल में केंद्र में आपकी सरकार है। तो आप ही हम जानना चाहते हैं कि फार्मर के लिए कोई सॉलिड आपकी कोई योजना बनी हो जिसमें आप सीए स्टोर्स या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो एरिया वाइज, या फार्मर बागवानी से संबंधित कोई लघु उद्योग लगा रहे हो या उसकी कोई योजना बनी हो या कोई उसका ब्लू प्रिंट तैयार किया हो। देखिए अभी अगर आप इस बारे का बजट देखेंगे अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2500 करोड़ के करीब सिर्फ न्यू प्लांटेशन और न्यू मटेरियल के लिए मोदी सरकार ने ईयर मार्क करा है, और मेरे को लगता है ये बहुत ब्रेक थ्रू है। ऑब्वियसली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम नहीं आने वाले, तो चीजें हो रही हैं, निरंतर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते रहते हैं। जितना जितना हम प्रोड्यूस कर भी रहे हैं क्या हम उसको से मार्केटिंग कर पा रहे हैं? आप ही जानते हैं दिक्कत है वो कई जगह, देखो हमारे को मानना पड़ेगा आप इम्पोर्ट प्लांट नहीं है इशू, मार्केटिंग है। देखो प्रोडक्शन साइड में प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसी को नहीं, निरंतर जी प्रोडक्शन साइड में भी दिक्कत है, सप्लाई में भी दिक्कत है और मार्केटिंग में दिक्कत है, ये तो हमारे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पर निरंतर इसको इवॉल्व होती रहेंगी चीजें, अब आस्ते आस्ते आपको दिखेंगे जो जो, जो जो 70 सालों में नहीं हुआ उसको मात्र 8 साल की सरकार में हम कर देंगे। लेकिन जितना अब आप देखें 2014 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी लगभग 97,000 थी, आज हम उसको डबल लगभग 1,98,000 के पहुंचा। दूसरा आंकड़े में मैं आपको हकीकत में रोडू की हम जानते हैं, हकीकत में बता रहा हूँ मैं रोडू की, अकेले रोडू की फार्मर अगर आप अगर आप अगर फार्मर हम समझते हैं कि अगर आप अगर आप एग्रीकल्चर अगर आप बजट की भी बात करें तो किस प्रकार से कितना चेंजेस हुए हैं। आज हमारी जो ग्रोथ रेट है लगभग 7% है, दुनिया में किसी देश की नहीं, कोविड के बाद सारी अर्थव्यवस्था है चाहे अमेरिका है चाहे चीन है चाहे जापान, सबकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी, हम फिर भी 7% से ग्रो कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें आज दुनिया में सबसे कम हमारे देश की, लगभग 5.5% 6% के करीब है आज हमारा। अगर हम अमेरिका की बात करें वहां की जो इन्फ्लेशन रेट है 8.5% से ज्यादा है। पाकिस्तान जो 1947 में हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ था आज जो 46% की उनकी इन्फ्लेशन है, वहां पर आपका डीजल भी जो है 250 रुपए लीटर से ऊपर है, खाने आटा जो है 200 रुपए किलो से ज्यादा है, वहां की स्थिति देखिए। लेकिन हिंदुस्तान ने कितना ग्रो किया बावजूद इसके कि कितनी कितना परिस्थिति हमारी विपरीत थी 2014 से पहले, और किस प्रकार से चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, कितना काम इस वर्तमान सरकार में हुआ। और आप देखिए 2000 अभी जिस प्रकार का बजट इस बार आया है, यूथ है चाहे महिला है चाहे वो SC ST OBC के लोग हैं या जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, किस प्रकार से इस बार के बजट में ध्यान रखा गया। एक मिडिल क्लास की जो अपेक्षाएं थी बजट से अपेक्षाएं थी कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए तो उसको जो है 5 से 7 लाख कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए। 7 साल का ही तो 9 साल अभी 9 साल है, 9 साल भी मई में पूरे होंगे, अभी तो 8 ही साल हुए हैं, 70 साल जिन्होंने किया उनके बारे में भी तो सोचिए कि कहां इस देश को ले गए थे और
क्या स्थिति इस देश की हो गई थी। अगर शायद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हमारे हालात भी शायद हम भी पाकिस्तान की तरह जूझ रहे होते आज। लेकिन दुनिया में आज हम इंपोर्ट करने वाले नहीं बने, अभी एक्सपोर्ट करने वाले बने। हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं जो है, हर दिशा में, मतलब इसको कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो समय तो लगेगा और समय लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद जितना फास्ट हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं हम आज, और G20 का जो है आज जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देश हैं उनकी अध्यक्षता करने का मौका हमको मिला। मोदी जी जिस प्रकार से, नहीं तो G20 की बैठकें दिल्ली में कर लेते हैं, बॉम्बे में कर लेते हैं, लेकिन सभी प्रदेशों में G20 की बैठकें हों, हिमाचल प्रदेश में भी हों, उसमें धर्मशाला में हमारी बैठक हो रही है, अभी तक ठियोग भी हमारा उसमें, मेरे संसदीय क्षेत्र का ठियोग भी उसमें है, और हिमाचल को और पूरे देश को अगर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में उसको शोकेस करना, पूरी दुनिया को बताना यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की वेशभूषा क्या है, का खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, या कैसे हिंदुस्तान के लोग, हमारे जो प्राचीन संस्कृति रही है, जिसका एक इतिहास है, ये सारी चीजें पूरी दुनिया को बताना, तो मैं समझता हूँ ये इससे पहले कभी किसी की ऐसी सोच ही नहीं रही कि इस देश के बारे में इस ढंग से भी सोचा जाए। तो ये तो एक जिसको हम कैसे विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी के रूप में आज हमारे पास है। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल को क्या नहीं मिला इन 9 सालों की बात कर लें। आज अगर देश भर में 4 बल्क ड्रग पार्क मिलते हैं, 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हमको 4 मेडिकल कॉलेज, हमको IIM जैसा इंस्टीट्यूट हमको मिला, और जो आपके अटल टनल जिसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया था कि 2024 में कंप्लीट होगी, 2020 में उसको मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। रेणुका बांध लगभग 85-86 से उसका चला हुआ था रेणुका बांध, क्योंकि वहाँ रेणुका का बांध बनेगा, उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का काम जो है हमारी सरकार ने जो उसको उसका उद्घाटन उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उसको पैसा समर्पित किया। 1456 करोड़ रुपए से जो है जो पोंटा साहब से लेकर हाटकोटी के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है, 1456 करोड़ रुपए उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे 4 लाइन वंदे भारत ट्रेन इस प्रदेश को मिली है। हमको एम्स जैसा, हम एम्स दिल्ली, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, लेकिन आज बिलासपुर में एम्स का ना केवल एम्स खोला, उसके साथ उसके भवन का निर्माण भी हो गया और आज इसका काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को इन 9 सालों में कितनी तरजीह मिली है। PGI सैटेलाइट सेंटर आपके ऊना में देने का काम किया, तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश को जो जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का विशेष उनका हमको विशेष रूप से जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश को जो पैकेजेस मिले हैं, हमको तो उनका आभारी होना चाहिए। और हमको इस बार के बजट में भी अगर हम देखें तो 8,478 करोड़ रुपया, जिसमें 1902 करोड़ रुपया तो केवल रेलवे के लिए हमको मिला है, उसमें उसके अलावा चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन है, या दूसरे जो हेल्थ सेक्टर है या दूसरे सेक्टर है, उसमें हमको व्यापक रूप से जो हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा गया। थोड़ा सा आपने बताया सी स्टोर हमारे पराला में बन रहा है, जिसका टेंडर प्रोसेस कम्प्लीट होकर काम भी शुरू हो गया है, 50 करोड़ के करीब वो बन रहा है, और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट 100 करोड़ का हमारे पराला में बना है, खड़ा पत्थर बन रहा है सर, खड़ा पत्थर अभी जो प्रपोज्ड नहीं प्रोसेस में कम्प्लीट हो गए हैं। 6 CA स्टोर जिसकी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है, वो अपर शिमला में ही 6 के 6 CA स्टोर बन रहे हैं, और आने वाले समय में उसका फायदा हमारे ग्रोअर्स को बहुत ज्यादा होने वाला है। और जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा है पराला में, वो एशिया का सबसे बड़ा लगा है, 100 करोड़ के करीब खर्च हो रहा है उसमें, हम सबको एप्पल बेल्ट को उसका बहुत फायदा आने वाले समय में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कार्य बागवानी के लिए भी सेंटर एड स्कीम से किए जा रहे हैं, आने वाले समय में और इसको कैसे प्रगति हो उसके लिए हमने माननीय सांसद महोदय से कहा है कि आप सांसद में उठाकर एप्पल बेल्ट के लिए जो भी कुछ कर सके आप जरूर करें। और स्पेशली आप देखो हमारी रोड की क्या दयनीय स्थिति होती थी, 4 लाइन जो रोड है परमाणु से ऊपर, ये आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने फंडिंग जब से की है तब से बन रही है,
और 3700 करोड़ रुपया इसमें अभी तक खर्च हो चुका है, और इसका जो प्रपोज्ड है 3200 करोड़ रुपया और इसके लिए आ रहा है। और जितने भी फोर लाइन है हिमाचल प्रदेश में, आप कोई भी लो, आप किरतपुर मनाली लो, आप कोई भी रोड लो, सब रोडों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया बदल दिया है। चलो सर, ये तो रही केंद्र की सारे जितने आपने कार्य गिना दिए, चलो देखें, अगर बतौर सांसद आपकी सबसे बड़ी बात है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से बहुल क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र से आपको एक अच्छी बढ़त मिली, बट अगर पिछले चार आपका जो 4 साल का कार्यकाल बतौर सांसद गुजरा है, लेकिन अगर देखा जाए एज ए सांसद आपकी उपस्थिति बहुत कम रही है इससे बहुल क्षेत्र में, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं सांसद बनाऊं मई 2019, और मार्च 2020 से कोविड शुरू हो गया था। आप सबके ध्यान में 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था और लगभग 2022 तक कोविड रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो हर विधानसभा क्षेत्र में रोडू का भी मेरा है चौथा, मैं जीतने के केवल 2 महीने में रोडू में धन्यवाद करने के लिए आ गया था, या मैंने और बस स्टैंड के ऊपर हमारा कार्यक्रम, बस स्टैंड पर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि सर मेरा ही सवाल नहीं है, ये यहाँ के लोगों का भी सवाल है और विपक्ष के लोगों का भी सवाल है। मैं जनता की, मैं जो है विशेष रूप से जो कांग्रेस के मित्र इस बात को कहते हैं, मैं उनका भी थोड़ा उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। और हर विधानसभा की रोडू में मैं लगभग 4 से 5 बार आ गया हूँ, जुब्बल कोटखाई में मेरा 7वां 8वां दौरा था, जहाँ तक बाकी चौपाल का भी मेरा 3रा 4था दौरा था। मैंने हर क्षेत्र में, और मैं जबकि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, पूरे प्रदेश में भी मेरा जाने का रहता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के लिए भी, और मैं लगातार इस संसदीय क्षेत्र की आवाज को पार्लियामेंट में उठाता रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखें कि कितने सारे काम जो है इन 4 सालों के अंदर हुए, तो ऐसा नहीं है। ये तो कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं कि सांसद महोदय नहीं आए, मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारे सांसद रहे हैं, कितनी बार इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन वो आप अपना रहता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा है। और मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, चाहे शिमला है, चाहे वो सोलन है, चाहे सिरमौर है, लगातार मेरे प्रवास के कार्यक्रम बनते रहे। ये तो